Hello learners, welcome back to my channel InfoBHU. Today in this video I will discuss few MCQs based on business environment. So students, मैं आज इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम डेली 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, दिस सीरीज इज अ वन टॉपिक वन वीक MCQ सीरीज ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट. सो इस पूरे वीक हम बिजनेस इन्वायरमेंट बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे. एंड फर्दर वीडियोज़ में कॉमर्स पे भी MCQ वीडियोज़ की एक सीरीज मैं प्रोवाइड करूँगी आपको, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड स्टूडेंट्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू मैंशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दैट इस सीरीज में मैंने ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो MCOM एस्पायरेंट्स के लिए भी यूजफुल हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BHU MCOM का एग्जाम जो है उन्हें देना है, उनके लिए भी ये सीरीज यूजफुल होने वाली है. बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट से MCOM एंट्रेंस में बहुत से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं. एंड इसीलिए MCOM स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इस सीरीज को नोट्स बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं. एंड हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ ही मैं ये भी आपको बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन सिर्फ MCOM स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, बस उन क्वेश्चन को BCOM के एस्पायरेंट्स जो है वो अटेम्प्ट ना करें. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सभी के लिए यूजफुल हैं. एंड स्टूडेंट्स, अब बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में, सो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा MCQs सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए. एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड डेडिकेटेड वीडियोज़ फॉर रिविजन. सो लास्ट मिनट रिविजन के लिए क्विक वीडियोज़ भी मैं प्रोवाइड करूँगी सो दैट कम टाइम में आप ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकें. एंड स्टूडेंट्स, एज आई स्ट्राइव टू कम्प्लीट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस, आई विल बी श्योरली कवरिंग मोर सच टॉपिक्स. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, सब्सक्राइब राइट अवे. एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करेगा. एंड देन वीडियो को प्ले करके चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवेल्यूशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. एंड अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली एड्रेसिंग योर कंसर्न. एंड जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माय चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी. सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. एंड लेट्स बिगिन नाउ. सो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द एनवायरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स व्हिच हैव इंपैक्ट और हैव इंप्लिकेशन फॉर द बिजनेस. सो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का बेसिकली आपको नाम बताना है जिसे हम यूज़ करते हैं कि उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनका इम्पैक्ट बिजनेस पे हो सकता है या उनका इम्प्लीकेशन हो बिजनेस के लिए. तो इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं ये पूछ रहा आपसे इस क्वेश्चन में. आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए सेज इट्स फोरकास्टिंग, बी सेज असेसमेंट, सी स्कैनिंग, या डी नन ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स, जिस प्रोसेस के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं सारे ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम जिनका इम्पैक्ट बिजनेस पे हो सकता है या फिर बिजनेस के अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो उनका इम्प्लीकेशन है बिजनेस के लिए, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं स्कैनिंग. सो बिजनेस एनवायरमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है स्कैनिंग. सो इसको पता होना चाहिए आपको बिल्कुल इस तरह के टर्म्स और उनकी डेफिनेशन को, क्योंकि इसी तरह से सीधे सीधे डेफिनेशन पुट करके आपको जो है इस तरह के प्रोसेस का नाम पूछा जा सकता है सीधे. तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये कौन सा प्रोसेस है तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप आंसर नहीं कर पाएंगे. फोरकास्टिंग को तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि फोरकास्टिंग जो है एकदम बेसिक सब जानते हैं कि ये क्या होता है. असेसमेंट एंड स्कैनिंग में आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे, बट स्कैनिंग ये बेसिकली ये प्रोसेस होता है कि जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं हम उनमें से एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं स्कैनिंग के थ्रू कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका इंपैक्ट हो सकता है बिजनेस पे. ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनिंग आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर टू, दी लो इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज. सो जो लो इनकम इकोनॉमीज होती हैं उन्हें समटाइम्स हम क्या रेफर करते हैं, एक टर्म होता है इसके लिए ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे. सो इस डैश को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ए से इज इट्स फर्स्ट वर्ल्ड, बी से इज सेकेंड वर्ल्ड, सी से इज थर्ड वर्ल्ड, या डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड वर्ल्ड. जो लो इनकम इकोनॉमीज होती है उन्हें समटाइम्स रेफर करने के लिए ये एक टर्म यूज होता है थर्ड वर्ल्ड, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें पूछ रहा है कि डैश इज द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटजी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू विच हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन. सो गवर्नमेंट की ऐसी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बतानी है जिसका इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस के ऊपर एंड इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू. सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, बी से फिस्कल पॉलिसी, सी से ट्रेड पॉलिसी, या डी से फॉरन एक्सचेंज पॉलिसी. सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी. एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूँ स्टूडेंट्स कि जब भी गवर्नमेंट और फिस्कल आपको एक जगह दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि वो रिलेटेबल है. हमेशा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उन्हें फिस्कल करके ही डिनोट किया जाता है, बट ये नहीं इसका मतलब है कि आप
हर जगह जो है गवर्नमेंट ऑफ फिस्कल देखा, बस मार्क कर दिया। बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए जो जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है ना, फिस्कल डेफिसिट अगर है तो मतलब वो गवर्नमेंट को रिलेट कर रहा है, फिस्कल पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट को रिलेट कर रहा है, तो फिस्कल हमेशा ना गवर्नमेंट के लिए ही होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, ओके। इसमें पूछ रहा है कि इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड टू एड अमंग दी अदर थिंग्स दैट इंडिया शुड बी अ सोशलिस्ट स्टेट, ओके। तो ये थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपकी जो पॉलिटी अवेयरनेस होती है, बट ये आपके बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से भी एसोसिएटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइडेड है इस MCQ वीडियो सीरीज में। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे स्टूडेंट्स आपको 1954, बी से इज 1976, डी सी से इज 1980 या डी से इज 1985। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करके सोशलिस्ट स्टेट वाली ये जो चीज़ थी ये ऐड की गई थी। तो यहाँ पे आपका बी जो है 1976 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। द मेथड यूज फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज डैश। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको उसमें से ये बताना है कि ऐसा कौन सा मेथड होता है बेसिकली जिसमें जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती हैं उन्हें ट्रांसफर किया जाता है, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ए से इज ट्रंक की कॉन्ट्रैक्ट्स, बी से इज लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, सी से इज ट्रेनिंग ऑफ एक्सपर्ट्स या डी से इज नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से जो है सारे ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एलिमिनेशन के थ्रू बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफरिंग से रिलेटेड कहीं से भी नहीं है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स भी नहीं है, तो यहाँ पे ट्रंक की कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप एलिमिनेशन से जाएंगे तो भी आप बता सकते हैं, अदरवाइज जिन्हें पता है उनके लिए तो बेटर है आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते थे। जो भी द मेथड यूज फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज नोन एज ट्रंक की कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है कि डैश इज कंसर्न विद होल्डिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनल गोल्स। सो इसमें से कौन सा गेम इन ऑप्शंस में से ऐसा जो है कंसेप्ट है विच इज़ ऑलवेज कंसर्न विद होल्डिंग अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनल गोल्स। तो आप बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं जैसे कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स या नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो बिजनेस एथिक्स होते हैं हमेशा वो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो एथिक्स हैं उन्हीं से डील करता है, सोशल इकोनॉमिक एंड इंडिविजुअल एंड कम्युनल गोल्स बिजनेस एथिक्स के अंडर में नहीं आते हैं, एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ऑब्वियसली सभी चीज़ों को जो है इंक्लूड नहीं करता। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन से भी अगर अटेम्प्ट करें तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप जो है अटेम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन जो है याद है, जिन्हें कंसेप्ट पता है उनके लिए तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न विद होल्डिंग अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स, तो ये हम सभी जानते हैं, एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल एंड कम्युनल गोल्स एज वेल। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है कि इन विच ईयर द एड्रियन कैडबरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉज अपॉइंटेड। सो दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर एमकॉम एस्पायरेंट्स, क्योंकि ये जो एड्रियन कैडबरी कमेटी की बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन है, ये आपने बीकॉम लास्ट ईयर में जो आपका एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसमें आपने पढ़ा भी है तो उससे रिलेटेड ही है, इस तरह की जो केस स्टडीज़ हैं इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे जो एड्रियन कैडबरी कमेटी है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड एक केस की तरह पढ़ा जाता है इसे, इस कमेटी से रिलेटेड चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। सो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे स्टूडेंट्स, ए से इज 1991, बी से इज 1996, सी से इज 1980 या डी से इज 2000। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1991। सो जो भी BHU MCOM एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं एक सजेशन ये ज़रूर दूंगी कि जितने कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इस तरह कमिटीज़ हैं, ये जैसे ये एड्रियन कैडबरी कमेटी थी, बिरला कमेटी है, इस तरह की जितनी भी कमेटीज़ हैं इनसे एसोसिएटेड जितनी भी नॉलेज है ना ये ईयर वाइज इनको बिल्कुल आप याद रखिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ये बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए नहीं था क्वेश्चन नंबर 7, बाकी क्वेश्चंस मैं बताती चलूंगी कि कौन से किसके लिए हैं, फिलहाल ये आप दोनों के लिए रेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है आपकी इससे कि CII स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो CII का बेसिकली आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, बी सेज कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सी सेज क्लासेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या डी सेज सिविलियंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो CII का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए।
एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, ये एमकॉम एस्पायरेंट्स के लिए यूजफुल है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू बिरला कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड कंप्राइज एटलीस्ट -% ऑफ द बोर्ड इफ वन ऑफ देम इज अ चेयरमैन. सो आपसे पूछ रहा है कि बिरला कमेटी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे उसकी रिकमेंडेशंस हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं दे मस्ट कंप्राइज हाउ मच % ऑफ द बोर्ड अगर उन्हीं में से कोई एक चेयरमैन है तो. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी स्टैट्स रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जिसमें ये फिगर्स रिलेटेड जितने भी कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो. तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि कितने % ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज वेल. तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ए से 30%, बी से 10%, सी से 20% या डी से 70%. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30%. 30% ऑफ द बोर्ड मस्ट इंक्लूड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर उनमें से कोई एक जो है चेयरमैन है आपका. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. इसमें पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू बिरला कमेटी द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड कंप्राइज एटलीस्ट -% ऑफ द बोर्ड If the chairman and the managing director is the same person. So ऊपर वाले क्वेश्चन से सिर्फ यही इसमें डिफरेंट है कि अगर वहाँ पे वन ऑफ देम इज अ चेयरमैन आपसे पूछा था, एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही सेम पर्सन हो तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनमें से कितने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होने चाहिए. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे स्टूडेंट्स, ए से 50%, बी से 20%, सी से 10% या डी से 20%. तो यहाँ पे 50% आपका करेक्ट ऑप्शन है. अगर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेम पर्सन है तो ये ज़रूरी है कि जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 50% जो है दे मस्ट कंप्राइज ऑफ दी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं इसमें क्या है. डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और सेक्टर पार्शली और फुली. तो ये दोनों के लिए ही रेलेवेंट है, बीकॉम एंड एमकॉम एस्पायरेंट्स के लिए. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट. सो स्टेट का यहाँ पे देखिए रेफरेंस जो है ना गवर्नमेंट को है. हमेशा जब इस तरह से स्टेट मेंशन होता है समझ जाया कीजिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट को रेफ़र किया जा रहा है. सो अगर गवर्नमेंट अपने किसी भी स्टेक को, किसी भी हिस्सेदारी को अगर प्राइवेट किसी इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर सेक्टर से विड्रॉ कर ले या पार्शली या फुली, तो इसे हम क्या कहते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स आपको, लिबरलाइजेशन, बी से इज मॉडर्नाइजेशन, सी से इज प्राइवेटाइजेशन या डी से इज ग्लोबलाइजेशन. तो आप सब जानते होंगे कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट अपने स्टेक्स या अपना जो हिस्सा होता है उसे छोड़ देती है या विड्रॉ कर लेती है, तो इस तरह से जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चली जाती है वो कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राइवेटाइजेशन. तो इसे मार्क कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. सो इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दी रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. सो रंगराजन कमेटी को डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए जो है अपॉइंट किया गया था. ईयर पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए से इज 1990, बी से इज 1991, सी से इज 1993 या डी से इज 1996. तो यहाँ पे 1993 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स. रंगराजन कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी, 1993 में. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. इसमें पूछा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ऑन. सो इस तरह के जितने भी कमीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स आपके सभी के लिए, आई मीन बीकॉम एंड एमकॉम दोनों के लिए ही ये जो है एस्पायरेंट्स के लिए ये यूजफुल है. इस तरह के जितने भी कमिटीज़ एंड कमीशन हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए यूजफुल है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया था, ये कब हुआ था ये पूछ रहा है आपसे. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ए से 15 मार्च 1991, बी से 23 अगस्त 1993, सी से 23 सितंबर 1993 या डी से 6 मई 1994. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 अगस्त 1993. ये 23 अगस्त 1993 को जो है ये पर्टिकुलर कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. सो कॉम्पिटिशन एक्ट जो है ना ये 2002 में आया था स्टूडेंट्स, बट ये एक पर्टिकुलर एक्ट को रिप्लेस करके जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. एक एक्ट था जिसे रिपील किया गया था, जो है अबॉलिश कर दिया गया था, उसके बाद ये एक्ट जो है कॉम्पिटिशन एक्ट जो है इन्फोर्स किया गया था. तो यहाँ पे आपसे उसी एक्ट का नाम पूछ रहा है कि किस एक्ट को रिप्लेस करके ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया था. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ए से इज फेरा, एफ ई आर ए,
बी सेज MRTP एक्ट, सी सेज POTA यानी पोटा एक्ट, ठीक है, डी सेज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है MRTP यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। और इस जो है एक्ट को अब रिपील कर दिया गया है यानी कि ये इन्फोर्स नहीं है, एंड इस एक्ट को रिप्लेस किया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MRTP, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन द ईयर। सो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे ये पूछ रहा है कि ये कॉम्पिटिशन एक्ट कौन से ईयर में आया था। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 2002 तो पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप इतना तो समझ ही गए होंगे 2002 में आया था, बट जून एंड दिसंबर आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस जो है अवेलेबल हैं, तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एक्ट आया था दिसंबर 2002 में, इसे मार्क कर लीजिए एंड याद भी रखिएगा कि कॉम्पिटिशन एक्ट को 2002 में एंड दिसंबर 2002 में जो है इनैक्ट किया गया था। दिस एक्ट रिप्लेस्ड MRTP एक्ट एंड उसके बाद से इसकी इनैक्टमेंट हुई थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप द क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू। एंड स्टूडेंट्स एज आई अपलोड वीडियोज डेली एंड देर आर मेनी मोर वीडियोज टू कम, सो सब्सक्राइब नाउ इफ यू हैवन सब्सक्राइब येट, एंड प्लीज़ कन्वे योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स और थ्रू ईमेल। यू कैन फाइंड माई मेल आई डी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टे ट्यून टू माई चैनल। और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल इंक्लूड दैम एज वेल। एंड स्टे होम स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।